खुद सब गए जोनी शेयर और इस चैनल पे जो पहले आईटी और प्लेसमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ डलते थे वो तो डलेंगे ही और साथ में ऑडियंस बेस को बढ़ाने के लिए मैंने ये तय किया है कि इस पर काफ़ी सारा जो मेन न्यूज़ होगा जो अच्छा अच्छा न्यूज़ होगा और जिसपे डिस्कशन और जो मतलब ऐसी न्यूज होगी पे काफ़ी सारा डिस्कशन चलता है जैसा अलग अलग, -अलग लोग व्यूज़ रखते हैं तो उस ऑडियंस बेस को बढ़ाने के लिए मैंने ये डिसीज़न लिया है कि इस पर ऐसे न्यूज़ भी आज से मैं डालना शुरू करूँगा रेगुलर बेसिस पर और जो आई के ऑडियंस थे वो प्लीज़ यहीं रहे वो चीज़ें रेगुलरली डलेंगी ही राइट और आपकी क्वेरी जो है इंस्टाग्राम पर वैसे ही सॉल्व होंगी तो यार इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था इससे रिलेटेड काफ़ी लोगों ने लाइक किया फेसबुक पे काफ़ी वीडियो वायरल हुआ तो मैंने सोचा कि इस ऑडियंस बेस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं और अपने चैनल पे उन लोगों को भी लाते हैं और ताकि मेरे को भी कुछ हेल्प हो और मेरे को वीडियो बनाने में ऐसे मजा भी आते हैं राइट तो अपने इंटरेस्ट और ऑडियंस बेस को मिलाने के लिए मैंने ये काम शुरू किया और अलग चैनल भी बना सकता था लेकिन अभी मेरे पास उतना सब्सक्रिप्शन नहीं है लोगों का कि मैं उनके लिए एक अलग चैनल बनाऊँ तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे ही चैनल अलग बनाने का भी मैं सोच लूँगा राइट तर तो आज के इस पहले न्यूज़ में आज का जो न्यूज़ है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है एक व्हाट्सएप पर बहुत वायरल हो रही है इमेज जिसमें राशिद खान एक तिरंगे को पकड़े हुए हैं इससे पहले मैं एक न्यूज़ आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक मैच हुआ जिसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई मतलब अफग़ानिस्तान ने पहली बार वनडे में पाकिस्तान को हराया इसके पहले आठ बार वो जीत चुके थे लेकिन जब ये नौवीं बार हुआ तो पाकिस्तान आठ विकेट से हार गया राइट अब चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हुई तो वायरल तो होनी है बात तो इसमें हुआ ये कि राशिद खान जब सेलिब्रेट करते हैं तो लोगों ने ये दिखाया इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों ने और जो ये तमाम लोग मैसेज वायरल कर रहे हैं सभी लोगों ने ये दिखाया कि राशिद खान एक तिरंगे को पकड़े हुए हैं इस फोटो को आप देखिए ध्यान से यही वो फोटो है जो बार बार घूम रहा है अलग अलग फोटोज हैं अलग अलग तरीके से लोग वायरल कर रहे हैं अब इस फोटो को देखने से पहले ही अब मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों को बड़ा प्यार करता हूँ क्यों क्योंकि उनको किसी चीज़ की समझ नहीं होती उनको आई की समझ नहीं है उनको न्यूज़ की समझ नहीं है उनको न्यूज़ रिसर्च नहीं करना कुछ नहीं अब इस फोटो को देखने के साथ अगर थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा लोग बंदा होगा तो वो क्लियरली समझ जाएगा कि ये फोटो जो है एडिटेड है राशिद खान जब ऐसे राशिद खान सबको पता है कि जब वो विकेट लेते हैं तो पूरी हाथ फैला के ऐसे मुट्ठी बांध के सेलिब्रेट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो राइट ये चीज़ें छुपी नहीं अब इस सेलिब्रेशन के बीच में उन्होंने क्या किया एक झंडा लगा दिया एडिट करके राइट अब इतने पे लोग नहीं रुकते अब लोगों ने एक फेक मैसेज वायरल कर दिया कि आईसीसी ने इसके लिए उन पर पचपन लाख का फाइन ठोक दिया राइट और ये न्यूज़ बड़े बड़े न्यूज चैनलों एबीपी आज तक जैसे न्यूज चैनल पर भी दिखा दिया गया राइट अब आजकल सबको टीआरपी चाहिए होती है सबको व्यू व्यूअरशिप चाहिए तो न्यूज रिसर्च करने वाली जो कला थी जो पहले के न्यूज़ एंकरों में होती थी वो तो अब विलुप्त हो गई है आजकल हेडलाइन दिखा पहले बोल दो बाद में माफ़ी मांग लो ये चीज़ें चल रही हैं तो काफ़ी सारे न्यूज चैनलों ने दिखा दिया अब जब न्यूज़ चैनल पर बात आई तो सर रतन टाटा का भी बात उसमें जोड़ दिया गया अब उसमें ये जोड़ के दिखाया गया कि रतन टाटा ने कहा है कि ठीक है आई ने आपको पचपन लाख का फाइन दिया है तो मैं आपको दस करोड़ रुपये दे रहा हूँ अब ये दस करोड़ क्यों क्योंकि आपने भारतीय झंडा उठाया और भारतीय झंडा उठाने का आई ने आप पे फाइन लिया तो इस चीज़ से मैं बहुत आहत हूँ और आपको दस करोड़ रुपये मैं दूंगा रतन टाटा ये कह रहे हैं लोगों ने ये बता दिया तो पूरा न्यूज़ क्या बन गया उनके लिए एक फ़ोटो साथ में आईसीसी का पचपन लाख का दावा उन पर फाइन और साथ में ये दिखा दिया गया कि आईसीसी के इस दावे को ख़त्म करने के लिए ताकि राशिद खान पे कोई प्रभाव ना पड़े दस करोड़ रतन टाटा ने दे दिया अब ये तीनों न्यूज़ मिला के भरमार तरीके से व्हाट्सएप पे लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं मतलब मेरे व्हाट्सएप पे भी काफ़ी जगहों से आ गया काफ़ी सारे ग्रुप्स में अब मैंने थोड़ी सी जांच पड़ताल की तो अभी जांच पड़ताल चली रही थी कल सर रतन टाटा का एक्स जिसको पहले ट्विटर के नाम से जानते थे उस पर एक बड़ा सा पोस्ट आया और पोस्ट क्या आया पोस्ट आया कि ऐसी कोई भी मैं दावा नहीं करता ना ही मैंने राशिद खान को कुछ रुपए दिए हैं ना ही मेरा क्रिकेट से कुछ लेना देना है जब तक मेरे आधिकारिक वेबसाइट या ऑफिशियल से कुछ ऐसी जानकारी ना है किसी भी चीज़ पर विश्वास ना करें किसी भी सोशल मीडिया मैसेज पर विश्वास न करें अब ये सर रतन टाटा ने दे दिया अब जो ये बड़े बड़े हैं जो ऑलरेडी दिखा चुके थे उन्होंने क्या फैक्ट चला फैक्ट चेक जी फैक्ट चेक ये हेडलाइन अब पहले जो हेडलाइन चल रही थी सर रतन टाटा ने दिया राशिद खान को दस करोड़ रुपए अब उसके पहले उन्होंने लगा दिया फैक्ट चेक तो दो न्यूज़ बन गए उनके लिए माफ़ी मांग लिया काम खत्म तो ये मेरा भी एक फैक्ट चेक था तो मैंने ऐसा पहले कुछ वीडियो नहीं बनाया था भाई मुझे माफ़ी नहीं मांगना बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो पूरा मैसेज है और जब भी आप फॉरवर्ड करते हो तो कृपया करके एक बार यार रिसर्च करो इतने बड़े पर्सनालिटी के बारे में कुछ मैसेज आप फॉरवर्ड कर रहे हो राइट और आपके मैसेज फॉरवर्ड करने से कुछ ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कुछ प्रभाव पड़ेगा लेकिन वो इतने महान हैं उनके जैसे पर्सनालिटी को आप ऐसे डिफेम मत करो राइट तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखने यार फेसबुक पे अगर देख रहे हो तो फॉलो कर ले अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले अगर आप यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब तो कर ही ले यार इस चैनल को आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज आने वाली हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक गुड